जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून को लेकर छतरपुर में बस कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर चली गई, जिससे बस स्टैंड से चलने वाली 500 बसों के पहिए थम गए। नए कानून से खफा बस कर्मचारी यूनियन हड़ताल पे है। 500 बसें जगह जगह खड़ी कर दी गई हैं। इस कारण जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर ऑटो चालक भी इस हड़ताल का साथ दे रहे हैं। बसों के न चलने से यात्री कड़ाके की ठंड में उधर उधर भटकते हुए देखे गए। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि ये काला कानून हमें मंजूर नहीं है, इसका विरोध जारी रहेगा। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हमारे वाहनों के पहिए ऐसे ही थमे रहेंगे। केंद्र सरकार जो ये कानून लेके आई है, जिसमें लगातार बिना सोचे समझे इस कानून को पारित कर दिया गया कि भाई अगर आपकी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाता है और आप वहां से निकलते हैं तो आपको कम से कम 10 साल की सजा और न्यूनतम 7 लाख का प्रावधान है। आप ये बताओ, जो बस चलाने वाला ड्राइवर है, जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है, अगर वो इतना ही सक्षम होता कि वो 7 लाख रुपया दे सकता तो वो तो इतनी छोटी सी नौकरी क्यों करता। अब इसके अलावा अब ऐसे में आत्महत्या के मामले इतने बढ़ेंगे कि ना कोई फांसी लगाएगा, ना कोई जहर खाएगा, सीधे ट्रक के सामने पर रहेगा, बस के सामने पर रहेगा, 7 लाख रुपया उसके घर को मिल जाएंगे, वो चला जाएगा, है ना। आपको ये सरकार को विचार करना पड़ेगा कि भाई आप ब्लाइंड स्पॉट ठीक करो, आप सड़कों की दशा को ठीक करो ताकि हादसे ना हो, जो आपको जो ऐसे जगहों को आप चिन्हित करो कि यहाँ पर हादसे हो रहे हैं इस जगह पर, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट को आप ठीक करो। आपने एक व्यक्ति को दोषी कैसे मान लिया पूरे सिस्टम के फेलियर का, कि ड्राइवर की गलती हो गई सब कुछ। आप देखो ना कि वाहन फिट है अनफिट है, सामने वाला व्यक्ति भी सीट बेल्ट लगा के चला रहा है कि नहीं चला रहा है, जिस कार में टक्कर हो रही है, जिस बाइक में हो रही, पूरी व्यवस्थाओं का दोषी, अव्यवस्थाओं का दोषी आप एक ड्राइवर को बना के उसका और उसके परिवार की जो हत्या का प्रयास कर रहे हो उसके विरोध में आज पूरे भारत देश में और छतरपुर में हड़ताल है। एक भी बस का पहिया नहीं चला है, ट्रकों के पहिए नहीं चल रहे हैं और इसको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अरे बहुत परेशानी बेटा, इतनी परेशानी हो रही कि हमें जाएं कैसे, इतनी परेशानी हो रही को लाइन मिल रहा भैया वहाँ महाराज को जा रहे थे, बहुत परेशान, देव जल्दी थैला ले दो। छतरपुर से नौगांव मेला जाना है, परिवार सहित है, हम साधन नहीं मिल रहा है, कोई बच्चे साथ में छोटे छोटे बोल रहे 3 दिन का हड़ताल बता रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।